सुजानपुर टेहरा में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ज्ञात रहे कि भंडारे का आयोजन बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। भंडारे के आयोजक विकास शर्मा, विकास गुप्ता, राजकुमार शर्मा ने बताया कि भंडारे के आयोजन में लगभग 22 क्विंटल चावल बनाए जाते हैं। भंडारे के आयोजन के लिए बीते 3 माह से तैयारियां शुरू की जाती हैं, जिसमें मंदिर कमेटी गांव जाकर भंडारे के लिए जमा पूंजी एकत्रित करती है और लोग भंडारे के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं बाबा मंदिर में लोग मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धा से दान पुण्य करते हैं। ज्ञात रहे कि इस मंदिर में राजा संसार चंद के गुरु बाबा स्वरूप गिरिजी महाराज ने जीते जी समाधि ले ली थी और कहा जाता है कि इस कारण क्षेत्र में आने वाले आपदाओं पर लगाम लगे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए यह मंदिर आस्था के केंद्र बना हुआ है। बाबा स्वरूप गिरिजी के मंदिर में हर वर्ष एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बहुत सदियों से परंपरा चली आ रही है। सुजानपुर के लोग और आसपास के क्षेत्रों के लोग मिलकर इस भंडारे में योगदान करते हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है। आप देखें भारी संख्या में सुजानपुर के लोग और आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद ले रहे हैं। सर, ये भंडारा कितने वर्षों से निरंतर चला हुआ है? सर, बहुत पुराना निश्चित नहीं है। हमारे बुजुर्ग पूर्वज भी होगा, उनको पता नहीं होगा। हमारे पूर्वजों के जमाने से बहुत और बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा, आगे चलता रहेगा, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। सर, बढ़ रहा है। लगभग कितने लोग जो है इस भंडारे का लुप्त, लगभग 20 क्विंटल चावल लगते हैं, 20-22 क्विंटल, 15,000 से 18,000 लोग इस वर्ष आने की उम्मीद है। बढ़ रहा है हर वर्ष आंकड़ा, ये 18 से 20 क्विंटल चावल जो है वो हर वर्ष लगते हैं। सर, इस मंदिर की मान्यता, बाबा जी ने समाधि ली है यहाँ, जीवित समाधि ली है यहाँ, तो ये साक्षात भगवान है यहाँ पे। लोगों में बहुत मान्यता है, लोग यहाँ बहुत मानते हैं बाबा जी को। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये बाबा स्वरूप गिरिजी का जो भंडारा है ये वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं खाता है, यहाँ पे हर तरफ से आदमी आता है और ये इसकी जो पहचान है। समाज यहाँ कोई राजनीति नहीं चलती है, कोई राजनीति नहीं है।